सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। इसका मतलब जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। हालेलुया। कि कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। चैलेंज करो आज अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बोलो कि जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। वो कहता है क्यों? जहां तू आज के बाद शराब नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं ध्यान लगा रही हूँ परमेश्वर की ओर। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते हैं मलाकी 3:16 के परमेश्वर भी आपके लोगों की ओर ध्यान लगाना चाहता है। अगर परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब उस घर में कंगाली, गरीबी, शांति नहीं है, अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा, और घर में करे के बच्चे कहना नहीं मानेंगे क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उस घर पर नहीं है। यहाँ बाइबल मलाकी 3:16 में लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हालेलुया। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। किनकी सुनता था? आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं, पापा परमेश्वर साडी क्यों नहीं सुनता कि सानू चंगाई मिले, सानू बरकत मिले, सानू मतलब कि वीजा मिले, ये मिले, वो मिले। परमेश्वर कह रहा है मैं किसकी बात को सुनूंगा? कह रहा है जो ध्यान धरकर मेरी सुन रहा होगा, दूसरा जो परमेश्वर का भय मान रहा होगा। हालेलुया। नीति वचन 31 के इसी में जो मैंने पढ़ाया था अभी, कौन था वो 31:30 उसमें क्या लिखा? कह रहा उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी, उस आदमी की तारीफ की जाएगी, उस व्यक्ति की तरक्की की जाएगी जो परमेश्वर का भय मानता होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आपको परमेश्वर का भय मानना। 3:16 में फिर दिखा, कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाता। परमेश्वर किन की ओर ध्यान लगा रहा था? जो भय मान रहे थे परमेश्वर का, और कह रहे उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। एक बुक उन लोगों के लिए। दो आदमी थे, एक स्वर्ग में गया मरने के बाद, गेट पर गए तो दोनों ही, और दोनों में से एक की किताब खोली गई। एक के लिए बोला तेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। कहता है कैसे नहीं है, क्या बात? स्वर्गदूत गलती से आपने कोई, आप जरा अच्छे से देखो, किताब अच्छे से खोल कर देखो। उसने कहा तेरा नाम नहीं है इसमें। कहता क्यों नहीं है मेरा नाम? मैं चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, दो टाइम प्रार्थना भी करता हूँ, और हफ्ते में एक बार उपवास भी करता हूँ, और लाली तेरे थप्पड़ भी लगाता हूँ। मतलब कि मैं उपवास भी करता हूँ, बोलते हैं कि मैं उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने इतना चंदा भी दिया, इतना ये भी दिया। पता है आपको कि मेरा लिखा होगा इसके अंदर, मैंने क्रिसमस के दिन 1,00,000 रुपया भी दिया था। ऐसा भी कह रहा होगा, वहां लिखा नहीं था, लेकिन वो बातें ही बता रहा था अपनी। लेकिन उस समय कह रहा था, लेकिन स्वर्गदूत कह रहा था कि इस पुस्तक में तेरा नाम नहीं है, लिखा हुआ तो बहुत है। कहता है ऐसा दिखाऊंगा, जो जो तूने कर्म किए हैं सारी खोल के रख दूंगा तेरे सामने, पॉल पट्टी। उसने कहा डर गया वो। उसने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसने कहा तूने अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा है परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं है। तूने अच्छे काम किए लेकिन एक भी फल नहीं लेकर आया। कह रहा तू अपने परिवार में से एक बंदे को नहीं बचा पाया। कहता गेट आउट। कह रहा नहीं, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कहता मेरी जगह कहाँ है? कहता कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है, नरक है तेरी जगह। उसने कहा कारण क्या है, कारण क्या है? कहता मैं तेरे को नीचे दिखाता हूँ, वहां पर टीवी स्क्रीन है। स्क्रीन की तरह उसने दिखाया उसको, नीचे उसके बच्चे किसी अच्छे दोस्त के साथ चर्च जा रहे हैं उसके मरने के बाद। उसने कहा ये जीते जी क्यों नहीं गए, तेरे मरने के बाद क्यों आए हैं? कहते हमारे बाप की बोल बणी सही नहीं थी, उसका बात करने का तरीका सही नहीं था, सारा दिन हमारे पीछे पड़ा रहता था,
सारे दिन यही करते रहता था, सारा दिन करे के ये, मतलब आप भय मानते हैं लेकिन आपके स्वभाव में मिठास नहीं है। इसलिए कह रहा है कि आप शक्ल से तो लगते हैं कि मसीहत में है, बाइबल पकड़े हुए तो लगते हैं मसीहत में है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना घर में तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है तुम कौन हो। हालेलुया, कह रहा है पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस दिशा से आए हैं, कैसे लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वचन, उसने उसको वचन दिखाया, उसमें लिखा, कह रहा वचन में क्या लिखा, वचन में लिखा कर के जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। कह रहा आपको नहीं पता पत्नी ने इतनी गलती करी, आपको नहीं पता बच्चों ने इतनी गलती करी, पता नहीं आपको नहीं। कहता पहले तू आया प्रभु में, तेरी फैमिली नहीं आई थी अभी। इसका मतलब आप एक पहला फ्रूट हैं। अगर आपने अपने अंदर सुधार किया तो आज रात आपके बच्चों के अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। आपने अगर अपनी फैमिली में सुधार कर लिया तो परमेश्वर कर आपके मोहल्ले में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा तो है, ध्यान नहीं किया वचन पर, अमल नहीं किया वचन पर घर जाकर, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसको बाहर निकाल दिया गया और दूसरे को अंदर ले लिया गया। कह रहा है कि ये ध्यान से सुनता था और मानता भी था। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, कह रहा है वचन को जो सुनता है और मानता है करा उसका आदर करता है परमेश्वर आपको। हाँ, पढ़ेंगे वचन 1 का, धन्य वह है जो भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, जो भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए भविष्यवाणी की पुस्तक है, करा जो डेली इसको पढ़ता है वो भय मानता है परमेश्वर का। हाँ, और वे जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मान लिया करते हैं। 2023 में 24 में मानेंगे पापा, अभी तो मुंडे का ब्याह हैगा, कट लन दो सात चक्कर, 2024 में मानेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे मैं तो उनकी ओर ध्यान किया करता हूँ जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आप प्रभु में हैं, लेकिन आपको चिंता किसकी है, मुंडे का ब्याह होगा, कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंडे का ब्याह के लिए कोई लड़की ना मिले, आपको ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचन पर, वचन के कलाम पर। बहुत सारे लोग प्रभु में तो हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कह रहे लेकिन पुराने रीति रिवाज आज तक नहीं उन्होंने छोड़े हैं। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर रीति रिवाज का परमेश्वर नहीं है। समझ में आया कि नहीं, कह रहे इसका मतलब परमेश्वर ध्यान नहीं देता ऐसे लोगों की तरफ जो 50-50 चलते हैं। अगर आप 100% चलने के लिए तैयार हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद परमेश्वर ध्यान लगाएगा तुम्हारी तरफ, ध्यान लगाएगा, मैं कह रहा हूँ ध्यान लगाएगा चर्च। अगर परमेश्वर ने ध्यान लगा लिया तुम्हारी तरफ, देख लिया, बाइबल बोलती है परमेश्वर को छूने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को जो देख लिया करते थे वो चंगे हो जाया करते थे, यीशु को जो देख लिया करता था चंगा हो जाया करता था, जो भूतड़िया देख लिया करती थी भाग जाया करती थी, आज करते भाग जाएंगे यीशु के नाम। बस उसका ध्यान आपकी तरफ पढ़ना चाहिए, बोलो हालेलुया, उसका ध्यान आपकी तरफ पढ़ना चाहिए। हेलो, कितने देख रहे हो प्रॉफिट जी, हेलो मेरा नाम पम्मी है, ये ओई ओई पास्टर का ध्यान ही नहीं बढ़ा तुम्हारी तरफ, मेरा ध्यान है लोगों की तरफ, आपको मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है आपको, आमीन, आपके कामों को जानता है, आपके हृदय को जानता है, कह रहा मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। आप अंदर से सुंदर होने के लिए जा रहे हो आज, आमीन, हालेलुया। कटोरा बाहर से मांजने की जरूरत नहीं है, अंदर से मांजो, हमेशा अंदर से मांजते हैं कि नहीं, अंदर अगर बाहर से मांज लिया अंदर से नहीं मांजा चलेगा, अरे चला लेंगे हम तो अमृतसर के हैं, चला लेंगे हम तो यूपी के हैं, चला लेंगे हम भाई साहब, चला लेंगे हम, अंदर से मजा नहीं ऊपर से मजना चाहिए, क्योंकि घर में लाइन लगी होती है भाई साहब, कितने ऐसे रखती है औरतें अपने घर में कप ऐसे रखती है टेढ़े कटोरे टेढ़े ऐसे क्यों रखते हैं पता है, ऊपर से दिखना चाहिए, या कपड़ा लग रहा शाइन मार रहे टैन 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 चमक रहे दूर से, ध्यान करता है क्योंकि जब बनता है ना घर में घुसते हैं ना उनके शोरूम में, शोरूम शोकेस में, वहां पर ऐसे गिलास रखे होते हैं फैशन वाले, कटोरे फैशन वाले उल्टे रखे होते हैं उल्टे, वो ये कह रहे होते हैं हमने सारी जिंदगी उल्टे ही काम किए हैं, हम इसलिए रखे हैं, हमें कोई यूज नहीं करता,
उन बर्तन को यूज नहीं किया जाता, उस बर्तन को उल्टा करके रखा है। हमने उल्टे काम किए इसलिए घर वालों ने हमें उल्टा ही टांग रखा है। आपको समझना है, आप वो बर्तन है आज रात तुम यूज में आने वाले हो चर्च। आमीन। अरे जिनकी तरफ ध्यान नहीं किया वो यूं ही रहेंगे, यूं ही। मेरे घर में भी एक शोकेस है, चले जाओ देख लो, कल फोटो खींच के दिखाऊंगा तुम्हें। उसमें यूं है, यूं यूं रखे बर्तन, यूं यूं। मैं कहता हूं यार क्या चक्कर है, इनको यूज कर लिया करो। नहीं ये दिखाने के लिए है, फैशन है, फैशन। आज ही देख रहा था मैंने, कहा यार इसमें फिर लाइट भी लगवाओ। मैंने उस खानों में खुद पैसे खर्च के 1,00,000 रुपए खर्च करके लाइटें लगवाई हैं। मैंने कहा ये घर वालों की भी, मैंने इन सब की भी, यहाँ पे नौकर चाकर इनकी भी अकल गिर ली, जरा काम में आया। हालेलुया, समझ रहे हो, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि तुम उल्टे रखने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम वो बुझी हुई लालटन नहीं हो, बस यहीं टंगे रहोगे, शोकेस के पीस नहीं हो, तुम पूरी दुनिया में फैल जाओगे चर्च। आमीन। पूरी दुनिया में गवाही दोगे तुम। आमीन। तुम कार के लिए नहीं बनाए गए, हेलो झोटे के लिए नहीं बनाए गए, झोटे पे बैठे घास लेने जा रहे, घोड़े पे जा रहे भाई साहब, तुम इसके लिए नहीं बनाए गए। अपने खेत में करा सारा दिन पुलिया पर ऐसे बैठे गाँव में, अब हमारा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। करा आपका ध्यान कोई करे ना करे, सोच रहे हो आप बेड पर बैठे हुए, परमेश्वर कहता उसका ध्यान करूंगा जिसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भय मानना सीख लिया। आमीन। गाली देना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, निंदा करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिए, करा आप गलत संगति के साथ घूमना छोड़ दिए, परमेश्वर का भय मानना शुरू कर लिया, अपने माँ बाप का आदर करना शुरू कर लिया, करा बड़ों बुजुर्गों का आदर करना शुरू कर लिया, यीशु से प्रेम करना शुरू कर लिया, करा व्यभिचार छोड़ दिया, करा आज से बुराई करना छोड़ दिया। करा याद रखना आज रात मेरा परमेश्वर करा आपकी ओर ध्यान करेगा, इस साल में आपके मोहल्ले में नहीं आपकी गली में आपका नाम आएगा गवाहियां। एक जगह आपका नाम होगा एक लिस्ट पर, पूरी दुनिया देखेगी, ध्यान करेगी, ये किसके बच्चे हैं, लोग पूछेंगे। यूसुफ की ने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, याकूब ने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना। वो दर्द मेरा, दुख मेरा, प्रॉब्लम मेरा, समस्या मेरा, घटी उसके पास भी आई, लेकिन उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। समस्याएं उसके पास भी आई, परिस्थितियां जब खिलाफ हो जाती हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो मन गिलास की तरह यूं रखने का करता है, टंगे रहो बस घर पर, लटके रहो शोरूम में, बेड में पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला तेरी जिंदगी में, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में भी याकूब जब परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, अपने बच्चों को समझा रहा था कि बेटे एक दिन आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा, कह रहा मैं जब तेरे बाप, तेरे नाना के, लाबान के, कह रहा कि जब मैं खेत में काम करता था, जब उसकी भेड़े चराता था, कह रहा कि उस समय में जो मुझे रोटी नहीं देता था, जो मेरी कमाई भी रख लेता था, मेरी अच्छी भेड़े भी रख लेता था, याकूब ने कहा उस दिन जिस दिन मैं निराश था तो भी मैं परमेश्वर का भय मानता रहा, तो मुझे एक आवाज आई थी और परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो तेरे मामा ने तेरे साथ किया है मैंने देखा है। हालेलुया। कह रहा कि अब जो मैं तेरे साथ करूंगा, क्योंकि तूने मेरा भय मानना है, कह रहा मैं तेरे वंश के साथ करूंगा, कह रहा अब दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। और एक दिन दुनिया ने देखा कि उसी का लड़का क्रय के मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपने परमेश्वर के सामने, आज पवित्र आत्मा के सामने कमिटमेंट किया है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ मुझे मिले या ना मिले, मेरे लाइफ में मेरे बच्चे मेरा कहना माने ना माने, मेरी पत्नी मेरे साथ चले ना चले, लेकिन परमेश्वर इतना सभी पाप मैं अपने अंदर नहीं जाने दूंगा, ध्यान कर ले मेरी तरफ, पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि दुनिया ने देखा है तेरे साथ क्या हुआ है, शैतान ने तेरे साथ किया है, लेकिन परमेश्वर ने भय मानने वालों की ओर ध्यान करना शुरू कर दिया है। याद रखना ये 2024 परमेश्वर ने मसीह लोगों के ऊपर ध्यान करना शुरू करेगा, जिनकी गवाही नहीं बनी उनकी तरफ ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आज आप पहले से ज्यादा गवाही वाले हो जाओगे, आज आप नहीं देखोगे, 2024 में आपके बच्चे के, आपके रिश्तेदार भी देखेंगे यीशु के नाम में, आपको बढ़ते हुए देखेंगे, आपको ग्रोथ करते हुए देखेंगे आत्मा में। क्या मेरे प्रभु के लिए ताड़ी बजा सकते, क्या उसको स्तुति की भेंट चढ़ा सकते, आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर, हालेलुया। जितने ध्यान कर रहे हैं उसकी ओर मुंह से सीटी बजा दो आज, जोर से बजाओ, नहीं बजानी आ रही तुम्हें, मैं बजा के दिखाता हूं। हालेलुया।
सारे बोले हालेलुया। ट्रेन के अंदर एक सिग्नल दिया जाता है, कह रहा गुंगा है बहरा है, अबे गुंगा बहरा होगा, सीटी तो मारनी आती है। सारे बोले हालेलुया। आपने पाप के लिए सीटियां मारी है पहले, ओए इसलिए नहीं बजानी आती मेरे को, मैं कह रहा हूं कि आपने पाप के लिए मारी होंगी। लेकिन आज कह रहा पतरस जब पानी में डूब रहा था तो कह रहा था अरे डूब रहा हूं, लेकिन यीशु बहुत दूर था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था उसकी तरफ, और जिस समय उसके चेले वो सब कर रहे थे, लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा क्योंकि तूफान था, आवाज नहीं आ रही थी, सै की आवाज आ रही, सुन नहीं रहा पीछे कौन डूब रहा है, लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा है, लेकिन किसी ने जोर से सीटी बजा दी, और जिस समय यीशु मसीह ने पीछे पलट कर देखा, पतरस को पकड़ कर उठा लिया है, बच गया है, ध्यान कर लिया है यीशु ने ध्यान कर लिया है। आज आपके मुंह से चाहे सीटी भी निकलेगी, मैं कह रहा हूँ ध्यान करेगा यीशु के लिए निकलेगी। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि आज इशारा परमेश्वर की ओर है, जितने चिल्ला रहे हैं आज यीशु के लिए, हालेलुया। सीटी मारना भी एक चिल्लाना है, हालेलुया बोलना भी एक चिल्लाना है, ताली बजाना भी एक चिल्लाना है। क्यों चिल्ला रहे थे वहां पर लोग, उसके चिल्ले क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि नाव में यीशु मसीह सो रहा था और तूफान की आवाज बहुत थी, लेकिन क्यों लोग कह रहे यीशु तू सो रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हम तेरे चेले हैं, हम तूने हमारे से वादा किया था पास्टर बजिंदर की तरह हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हारे को करोड़पति बना देंगे, और ये क्या हुआ, हम तो डूबने वाले हैं। पतरस को कह रहे हैं, पतरस पौलुस को कह रहा होगा, पौलुस पतरस को कह रहा होगा, वो उसको चेले को कह रहा, जा यीशु को उठा। उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही, वो जा रहे हैं दौड़ कर, कह रहे यार यीशु मसीह तो ध्यान नहीं दे रहा, हम इतना चिल्ला रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम इतना चिल्ला रहे हैं। वो समय चिल्ला रहे थे, कोई सीटियां मार रहा था, कोई ताड़ियां बजा रहा था, कोई ठक ठक कर रहा था कि उठ जाए यीशु मसीह, लेकिन वो यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था। हालेलुया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था, इतनी बेचैनी, कह रहा कि इतना कहो लोगों को नींद नहीं आता जब कर्जा हो जाता है, और लोग इसका बीमार हो जाता है, प्रॉब्लम है, लोगों को डिप्रेशन में है, फैक्ट्री है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन रात को नींद नहीं आता है, शांति की नींद नहीं ले पाते है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा जिनकी तरफ आज मैंने ध्यान कर लिया, आज रात वो शांति की नींद सोएंगे। हालेलुया। तूफान आए, बीमारियां आए, कर्जे आए, समस्या आए, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा चिल्लाने वाले लोग शांति से सोएंगे। आमीन। क्या मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हो आज? हालेलुया। यीशु ने कब ध्यान किया उनकी तरफ? जब वो यीशु के पास जाकर चिल्लाए, जब वो यीशु के पास गए और चिल्लाए, यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, और उसी समय यीशु मसीह का ध्यान उनकी तरफ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अच्छा कर्म किया चाहे बुरा किया, आप यीशु की दौड़ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप यीशु की नाव में बैठ गए हैं, याद रखना यीशु की नाव में जो बैठते हैं उनको उठाकर बाहर नहीं फेंकता, अगर वो गिर भी जाते हैं उनको पकड़ने के लिए नदी में चला जाता है। हालेलुया। आज रात मेरा परमेश्वर कह रहा, जिसने भय मानने का फैसला ले लिया है, परमेश्वर तेरे भय मानूंगा आज से मैं, परमेश्वर कह रहा एक भलाई तू देखेगा इस हफ्ते के अंदर, यीशु आज पकड़ने के लिए आएगा। आपको चिंता नहीं करना, आप बीमार हैं समस्या में, लेकिन यहाँ पर हो सकता था याकूब हाथ छोड़ सकता था परमेश्वर का, सो सकता था, लेकिन याकूब ने अपनी गरीबी में, अपनी हालत में, अपनी बीमारी की हालत में, अपनी भुखमरी में उसने परमेश्वर को याद रखा, उसने फिर भी भय माना। जानता था अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे चोरी का 7 गुना देना पड़ेगा, अगर मैं लालच करूंगा तो कह रहा है कि मुझे 7 गुना देना पड़ेगा, कह रहा है कि मुझे परमेश्वर प्यार करता है, एक दिन वो मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा, यही सोचकर वो चलता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी मुसीबतों को देखा, लेकिन परमेश्वर को एक ही बात बोलता है परमेश्वर कि एक न एक दिन तू मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा। जब अपना ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, कोई मदद करने वाला दोस्त भी मुझे बोलने लगे मसीहत के कारण कि तू क्रिश्चियन है, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जिस दिन तू कह रहे
क्रिश्चियन बनना छोड़ देगा उस दिन कराम तेरी मदद करेंगे। मेरे दोस्त बड़े बड़े अमीर हैं, बहुत बहुत अमीर अमीर घरानों के रिश्तेदार मेरे बहुत फॉरन में बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे 5 रुपए की हेल्प नहीं किया। उन्होंने कहा एक बार छोड़ दें यीशु मसीह को। मैंने कहा शैतान के बच्चों दूर हो जाओ मुझसे, हालेलुया। मेरे मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, इसका मतलब करा कि तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। परमेश्वर ने पतरस को कह दिया अपने को, ए शैतान के बच्चे दूर हो जा मेरे से। जब वो क्रूस पर उसे चढ़ने के लिए रोकना चाहता था, आज हो सकता है करा कि कोई आपके विचार आपके अपने आप को रोकना चाहते हो, तो आपके अपने नहीं है वो, उनके पीछे शैतान खड़ा, उसकी प्लानिंग है आपको रोकना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है करा कि आप अपनों का कहना मानते हैं दूसरों का कहना नहीं मानते, इसलिए वो अपनों को यूज करता है आपको गिराने के लिए, आपको बेकार करने के लिए। इसलिए लेकिन मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा, लेकिन जब मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गया, मेरी बस हो गई, बीमार हो गया, मेरे सारे शरीर पर छाले ही छाले हो गए अयूब की तरह, और जिस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं एक जगह पर एक बंद कमरे में बैठा हूँ जेल के अंदर, और मैं रो रहा हूँ परमेश्वर को, कह रहा हूँ परमेश्वर अगर तू अभी भी मुझे नहीं संभालेगा अब मैं टूट जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन तेरा नाम लेते लेते मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के एक स्वर्ग दूत ने मुझे दर्शन दिया और मुझे कहा जा आज से बजिंदर सिंह तेरे ऊपर परमेश्वर ने ध्यान कर लिया है, यीशु मसीह के नाम में याद रखना, ध्यान कर लिया आज रात परमेश्वर ने आपके ऊपर, ऐसा ध्यान किया। मैं कह रहा हूँ कि जहां मैं जाता हूँ लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। 2023 में आपने देखा झारखंड में गया लाखों लोग, अनगिनत लोग थे, इस रैली में भी आपने देखा अनगिनत लोग थे, अनगिनत इतनी भीड़ थी, लेकिन आपने देखा कि वहां पर जिसके लिए बोला गुंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गुंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गिल्टियां गांठे चली गई, लोग गवाही दे रहे थे वहां पर खड़े हुए, मेरा एक कलमनी हो रही थी और आज आपने गवाही सुना। याद रखना परमेश्वर ने अगर मेरे ऊपर ध्यान किया है तो मेरा ध्यान आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान करवा रहा है, आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति के ऊपर ध्यान करता है, जो लोग अपनी परिस्थितियों में भी हिम्मत निहारते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपने सीख लिया है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस हम देखते उत्पत्ति की किताब में 24:63 में देखते जेनेसिस चैप्टर 24:63 में इसहाक अपनी शर्मिंदगी को उठा रहा था, इसहाक लंबी उम्र जी रहा था, लेकिन इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, बाप चिंतित था। हो सकता है आपके माँ बाप चिंतित हो, आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, उसकी शादी ना हो रही हो, फ्यूचर ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी उसके बाप उसको कोसता होगा या फिर कुछ कहता होगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदार पड़ोस के लोग कहते होंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा कि इसहाक ने अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने छोड़ा। जब उसका बाप उसके रिश्तेदारों को कह रहा था इसके लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, तो उस समय भी वो देखो कहाँ जा रहा था, लिखा सांझ के समय शाम के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकल गया। हालेलुया। उसके रिश्तेदार आकर पूछ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे होंगे कितने साल से तू चर्च जा रहा है, कितने साल से परमेश्वर का वह मानता है, तेरा एक भी काम क्यों नहीं बना, लेकिन वो फिर भी शाम के समय ध्यान लगाने के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। ध्यान करना प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। करा और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। क्या देखा, ऊंट चले आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, अगर आज आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी मजबूरी में, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में, अगर आपने ध्यान लगाना छोड़ा नहीं है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे तो परमेश्वर कर रहे ऐसे ही दूर से प्रार्थना करने के बाद आज शाम के बाद मैं कह रहा हूँ तुम अपनी आंखों से देखोगे बड़े सारे ऊंट, बड़े सारे बिजनेस, बड़े सारी नौकरियां आपके लिए चली आ रही होंगी ऊंट पर, बहुत सारे राजा लोग आपके पास आ रहे होंगे। शांत के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए जा रहा था कि क्या लिखा, उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी आंखें उठाकर सारे दोबारा दो रिबका ने भी दो बार आंख उठा के देखा। कितनी बार? एक बार देखे तो लड़की समझ ले रिश्ता नहीं होने वाला। दो बार? कितनी बार? दो बार लड़की ने आंख उठा के देखती है तो रिश्ता पक्का है। सुन रहे हो? इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर से बार सपना तू भी बता दे तेरा रिश्ता कैसे हुआ था। सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आगे तो बता। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। हाँ। और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। हालेलुया। वो लाइन खा गई तू?
उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी देखा। समझ रहे मेरी बात? अगर लड़की नहीं देखती तो इसका मतलब रिश्ता पक्का नहीं है। क्या हुआ? उसने आंखें उठाकर देखा। क्यों देखा? क्योंकि आज से पहले किसी लड़की ने इसहाक को क्यों नहीं देखा? आज से पहले किसी गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर ने आपके लिए क्यों नहीं फेवर में हो गया? अरे आज से पहले कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों नहीं किया आपका? क्यों नहीं आप चंगे हुए? लेकिन करे के कब करे? जब करे आपने प्रार्थना में ध्यान लगाया, आंखें लगाई परमेश्वर की ओर, तो उसके बाद करेंगे एक रिश्ता उसकी झोली में आ गया है। एक ब्लेसिंग आज रात आपकी झोली में भी आएगी। एक गवाही आपकी झोली में भी आएगी। लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है। इसकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन ये ताने खाने के बाद भी फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है, ध्यान लगाने जा रहा है। अरे लोग ताने मार रहे हैं, अगर तेरी उम्र निकल गई, 30 साल का हो गया नौकरी लगने वाली, लेकिन फिर भी ध्यान लगाने जा रहा है। अरे 35 साल में क्या, 40 साल की भी, मैं कह रहा हूं 50 साल वालों की भी गवर्नमेंट जॉब से मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा, परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर की आंखें खोल दे, ये 40 साल वालों को भी नौकरी देना शुरू कर दे। ध्यान लगाना, बस आपको ध्यान लगाना, 60 वालों को भी नौकरी मिलेगी। एक देश है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर सब लोगों को एचआईवी है, सब लोगों को एचआईवी है। वहां पर लड़कियां ब्याह नहीं करती, वहां पर फिर दूसरे देश में जाना पड़ता है। एक देश ऐसा है जहां पर 100% में से 90% लोग एचआईवी के शिकार हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के भय पर नहीं है। अगर आपका ध्यान है, मैं कह रहा हूं कि आज रात ऊंट निकलेंगे नहीं, हेलो ऊंट नहीं निकलेंगे, आपकी गवाहियां नहीं निकलेंगी। जो आप मांग रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस बात के लिए चिंतित हैं, वो चीजें स्वर्ग से निकल निकल कर आएंगी, निकल निकल फायर, निकल निकल कर आएंगी। आमीन बोलने वालों के लिए निकल निकल कर आएंगी। इसहाक छोड़ सकता था अपने परमेश्वर को। इसहाक पैदा हुआ, अकाल पड़ गया, 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। उसको लोग सोचते थे, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ा। उसने कहा परमेश्वर का भय मानूंगा, कुछ मिले ना मिले। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी निराश हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान नहीं कर रहा, उन लोगों की तरफ कम ध्यान देता है। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा 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 वो करते हैं, मैं दूर से ही कैमरे में देखकर बोल देता हूँ, मैंने कहा यार इसको कहते है नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जो लोग खुश होते रहते हैं ना, खुश रहो और आकर अपनी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताकर चले जाते हैं, मैं कहता हूँ इसको कमरे में आने दे। हालेलुया, ध्यान लगा ले अगर वो ध्यान, परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करने वाला है। जो मुसीबतों में भी, तूफान में भी, आंधी में भी, बारिश में भी लड़ना सीख गए हैं शैतान से, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और शैतान से लड़ना सीख जाओ आज। आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। अपने कितने लोग समझ गया ध्यान लगाएंगे? अपने पड़ोसी से पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? हाँ, दो बार पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान, लड़कों को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? इसका ध्यान फेसबुक पे है। फेसबुक एक ऐसी चीज है, उसको देखना शुरू करो, 2-3-4-5 गर्दन ऐसे ही रहती है। ध्यान कितना ध्यान, एक जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है फोटो, चौथी है, पांचवी, फेसबुक पे ध्यान। और फिर शैतान उसमें एक ऐसी चीज ले आता है, उसका बटन दबा देते हैं, फिर ध्यान फंस जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? आपका ध्यान, अपने पड़ोसी को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? किसी का ध्यान है बस, मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा, मेरा ये कब ठीक होगा, मैं कब चंगा हो जाऊंगा, कब विदेश चला जाऊंगा। उसका ध्यान सिर्फ इन बातों में है, किसी का नशे में है, किसी का दोस्तों के साथ है। लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर लग गया, आज आप 24 घंटे में से, हेलो, 1 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को देना शुरू कर दो। सारे बोलो हालेलुया, आपकी ओर ध्यान लगाना शुरू करेगा परमेश्वर।
सारे बोले हालेलुया। दो घंटे 40 मिनट देना शुरू कर दो अगर आप ज्यादा ध्यान लगवाना चाहते हैं परमेश्वर का, क्योंकि 24 घंटे का दशमांश बनते हैं 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 40 मिनट दोपहर या 40 मिनट रात कर लो, क्योंकि नींद सोनी होती है। सारे बोले हालेलुया। आज रात परमेश्वर उन लोगों की ध्यान करेगा, उनकी फेवर करेगा जो विश्वास कर रहे हैं। एक गडरिया था प्रभु का भय मानने वाला, और वो गडरिया जब जा रहा था अपने भेड़े लेके, चल चल भेड़े चल चल, चरा रहा था, भेड़ों के साथ आनंद था, मस्ती थी, सब कुछ कर रहा था, बढ़िया घूम रहा था, खाना खा रहा था, दूध पी रहा था। और एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। हमेशा वो प्रार्थना करता तब सारे काम करता था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। क्या लालच आया कि उसने देखा सही राह पर चल रहा था, और उसी समय शैतान को पता था, कह रहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ करेगा। और शैतान ने उसका ध्यान भटका दिया। देखो गटरिये को क्या मिलेगा जंगल में, किससे ध्यान भटकेगा उसका? उसको आवाज आती है उधर से, बड़ी सारी, उन्होंने कहा ये क्या आवाज आ रही है। उसने उनका ध्यान भटकाया, कहता है कि लालची हो गया वो। उसने उन भेड़ों को छोड़कर और उन भेड़ों को छोड़ने, कहता बड़ी सारी भेड़ है कहीं, उसने पहाड़ी पर चढ़ के देखा कि बड़ी सारी भेड़, बहुत तकड़ी तकड़ी जंगली भेड़ें, और कहता यार ये भेड़े तो बहुत सुंदर है, और इतना सारा झुंड, कह रहा 40 भेड़े एक साथ, कहता कि ये भेड़े मैं लेके जाऊंगा, कहता इन भेड़ों से, कहता कि पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में होगी ये, तो ये भेड़ लेकर जाऊंगा। और जब वो भेड़ लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ उस भेड़ के साथ, और वो जाते ही जब उस गुफा के पास गया पहाड़ी से नीचे उतर कर, तो उनके साथ वो खाना, उनको खाना डाल रहा था, चारा डाल रहा था, बड़ी सेवा कर रहा था उनकी। ये मेरी तरफ आएंगी सोचेंगी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, गठड़ी बना बना के लाता, उनको चारा खिलाता, उनकी सेवा करता, उनके अच्छे से काम करता उनके साथ। लेकिन आंधी आई, तूफान आई, जो पहले वाली भेड़े थी वो उसकी भाग गई, इधर उधर हो गई। लेकिन साइड काफी देर इंतजार किया बेचारियों ने, लेकिन जब उनका चरवाहा नहीं आया तो भाग गई। और उसके बाद करे वहां पर बैठे 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 उसने देखा अब ये भेड़े मेरे साथ चलेंगी। जैसे ही तूफान बारिश रुका तो उसी समय उनको घास डालता रहा था, आजा 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 घास डाल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, क्या हुआ थोड़ी देर में, 5 मिनट के अंदर, उसी समय वो भेड़े, एक भेड़ बिगड़ी, क्योंकि वो जंगली भेड़े थी, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, आप समझ रहे कि नहीं, जंगली भेड़े थी और पालतू भेड़े नहीं थी, वो जंगली भेड़े थी। वो इधर भाग गई कोई, इधर भाग गई कोई, उधर भाग गई, और वो परेशान हो गया। उसकी भेड़े जब चली गई तो उसी समय करा कि उसके दिमाग में आया और जोर से चिल्लाने लगा, और चिल्लाकर पता क्या करा, कहता भेड़ो स्वार्थी भेड़ो, इतना खाना खिलाया तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत किया, स्वार्थी भेड़ो, जंगली हो तुम, जंगली हो, ऐसे बोलने लगा, जंगली हो तुम, जंगली। और भेड़े पलट कर करी, खैरी अपने अंदर देख और वापिस मुड़ कर गया, कहता ओहो, कहता यार स्वार्थी ये नहीं, स्वार्थी तो मैं हूं, मैंने इतनी सारी भेड़ों के लिए, इन जंगली भेड़ों के लिए अपनी भेड़े छोड़ दी, हालेलुया। और वो चली गई। आज कह रहे बहुत सारे लोग कह रहे जो थोड़ा नहीं, थोड़े में सब्र नहीं करते, वो बड़ा भागते हैं बड़े के पीछे। कह रहे कि जब आप थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर जो आपका बड़ा है वो भी आपको देने वाला है। इसका मतलब अपने ध्यान को मत भटकाओ कि मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं। कह रहा शैतान आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जो आपको मिला है बहुत है। बोलो जो मुझे मिला बहुत है, मुझे मिला बहुत है। जो ऐसा बोलते हैं मैं कह रहा हूँ इस साल के अंदर एंड होने से पहले बहुत बड़ा कुछ होने वाला आपके साथ। आमीन। बोलो कि जो मिला है मुझे बहुत है। बोलो जो मुझे मिला है वो बहुत है। मुझे मिला बहुत है। एक लड़के ने शादी कर लिया जल्दबाजी में, मसीह लड़के ने एक अन्य जाति औरत से शादी कर लिया, और वो बड़ी अमीर थी। और जब वो यूरोप के अंदर गया, उसने कसाईयों की तरफ से काम कराया, चल किचन में खाना बना, तेरी प्यार करानी है मैंने, 10 साल लगेंगे, नहीं तो 20 साल भी लग सकते हैं, मेरा कहना मान, खाना बना रहा कर, रात को पैर भी बिचवाती थी, सिर भी बिचवाती थी, और चल कह रहे कि ये काम कर वो काम कर, बेचारा तंग आ गया। लेकिन वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला लड़का था। हो सकता था उस औरत को छोड़ देता, भाग जाता, तलाक ले लेता उससे, लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा परमेश्वर मैंने गलती की है, लेकिन इसने मेरा भला किया है, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और परमेश्वर इसके लिए भी दुआ करूंगा। और वो ध्यान लगाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता रहा। और एक दिन वो औरत बीमार पड़ी,
और जब बीमार पड़ी तो उसकी सहेलियां जो किटी पार्टी मनाती थी कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आई, लेकिन उस समय में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने समझ लिया कि इस आदमी ने मेरी ओर ध्यान लगाना बंद नहीं किया, याद रखना इस आदमी ने मेरी मदद किया। और उसी समय वो समझ गई कि इसका परमेश्वर सच्चा है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का करैक्टर है, परमेश्वर का स्वभाव है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपके जो अपने आपसे दूर हो गए हैं वो पलट कर वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पलट कर वापिस आएंगे आपके पास। आपको विश्वास करना है, आपने ध्यान लगाना छोड़ना नहीं है। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं परमेश्वर आज रात आपके रिश्तेदारों को जो आपसे मुंह मोड़े पड़े हैं आज रात वो वापिस आएंगे। मैं कह रहा हूँ जो नौकरी आपसे मुंह मोड़े पड़ी है वो वापिस आएगी, विश्वास करना आमीन बोलने वाले। लेकिन प्रार्थना में कमजोर है इसलिए शैतान आपके ऊपर हमले करता है, जो प्रार्थना में कमजोर है। यशाया 55 के 11 को पढ़ेंगे हम जल्दी से, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। मेरा वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करके लौटेगा। लिखा व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा। वो वचन कह रहा है कि आप भी हो उसका वचन। हालेलुया, आप उसका बीज हो। अगर आप उसका कहना मानते हैं, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, क्रिसमस के दिन जल रहे हैं, अपनी गवाहियां शेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो परमेश्वर ने तेरे को किस काम के लिए भेजा है, बोलो इसको परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा तेरे को धरती पर। हेलो, औरतें बता रही है खोल गप्पे खानवा तेरे डीते। हाँ, ब्यूटी पार्लर में अब लागे दिल मेरा ब्यूटी पार्लर में। हालेलुया हालेलुया कहिए। अब लागे दिल मेरा बोतल में, अब लागे दिल मेरा बीड़ी में, अब लागे दिल मेरा हुक्का में। किस लिए भेजा परमेश्वर ने? खरा परमेश्वर ने कहा मैंने अपना वचन, कहते नहीं नहीं ये तो वचन भेजा है। अबे वचन में अंदर तू ही है उसके अंदर भी, तू उसका बीज है। हालेलुया, किस काम के लिए भेजा है? पास्टर जी तुहानू पता है मेरा कुछ नहीं बने, दूजे नु मैं की सुनावा, दूजे नु की दसा, इसके लिए भेजा है। सारा दिन रोना चिल्लाना किटाना पिटाना किटाणु मिटाणु पिटाणु, एक दिन मिटा देना रब ने तुहानू इहो जिहे लोकां नू। मैं कह रहा कि आज परमेश्वर कह रहा है कि जितने मेरी बात को सुनते हैं और जाकर गवाहियां देते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में भी, अपनी कमजोरियों में भी, परमेश्वर की तारीफ करते हैं लोगों के सामने, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन खाली हाथ नहीं ठहरेगा, 2024 में एक बड़ा काम करके आएगा। आमीन बोलने वाले ब्रांच में बैठे हुए कह रहा विश्वास करना। एस्तर समझ गई इस बात को, और एस्तर ने कह रहा कि एस्तर का भरोसा किस पर था, केमिकल पर नहीं था कि मुझे कोई गोरा बनाएगा, कोई मेरे जीवन में कोई मेरा अच्छा लड़का आएगा और मुझे ये ब्याह के ले जाएगा। एस्तर का भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा है। एस्तर 4:16 में और बाइबल बोलती है कि उसने अपने अपने साथ वालों को रिश्तेदारों को क्या सिखाया, उसने कहा परमेश्वर हमारी फेवर में कब होगा, हम वर्ल्ड कप कब जीतेंगे, हम क्रिकेट मैच कब जीतेंगे, हम अपनी जंग कब जीतेंगे, बीमारी की कर्जे की, करें जब हम करें 3 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसने 3 दिन रात ना कुछ खाया ना पिया, उसने जिद कर लिया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने एस्तर को वो औरत बनाया जो एक गरीब घराने की थी और उसका सिर ऊंचा कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है ऐसी औरतों की प्रशंसा की जाएगी। ये नहीं कि सारा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठी है सवेरे से शाम, कहाँ जा रही? ब्यूटी पार्लर जा रही। जब दूसरी बार पति पूछे कहाँ जा रही? मरने जा रही, तू क्या ले? ऐसे जवाब आएंगे तो भाई साहब मसीहत क्या खाक करेगी? जब ऐसे जवाब आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, क्यों? परमेश्वर कह रहा है ध्यान लगाना बंद कर देगा उस घर की तरफ, ध्यान लगाना बंद कर देगा। जब आप अपने पति से जवाब, अब पत्नियां पति पत्नी के साथ उल्टा जवाब देता है, बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, तो परमेश्वर ध्यान लगाना बंद कर देता है ऐसे घर पर। आपको विश्वास करना है, अगर आप मसीहत में जाते हैं, आप कह रहे हैं लड़का मेरा गलत जवाब दे रहा है, अबे तेरा लड़का तो चर्च नहीं जाता, तू तो चर्च जाता है, तू तो ढंग से बोल, अरे तेरी पत्नी नहीं जाती, तू तो ढंग से बोल, इसका मतलब कि अपने आप को पहले सुधार करने की जरूरत है। परमेश्वर अगर आपकी तरफ ध्यान कर लिया, तेरा घराना लाइन लगा ट्रेन के डब्बे की तरह आएगा पीछे से। ट्रेन का डब्बा टूटता नहीं है, याद रखना, जुड़ा रहता है। सारे बोलो कूच छुक छुक।
आपकी समझ में आया कुछ छुक छुक का इशारा क्या है? वो ट्रेन बता रही है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पूरा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा फेथ रखने वालों को फेथ को बाहर निकालना आज। 7 दिन में हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहना आज आपको उत्पत्ति 21:19 में कह रहे कि यहाँ पर एक औरत थी उसका नाम था हाजिरा और हाजिरा एक नौकरानी थी, घर में काम करती थी अब्राहम के। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसने इतना अच्छा काम किया सारा की इतनी मदद किया, उसके करेक्टर में शांति थी परमेश्वर की, और उसने इतना ध्यान किया अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगाती पोछा लगाती और परमेश्वर की बातों को सुनती और उसी समय और रानी के साथ तमीज से रहती। और सारा ने दिल खुश होकर एक दिन ध्यान कर लिया, उसने कहा तू अब नौकरानी नहीं मेरे घर की रानी बनेगी। उसने कहा हैं? उसने कहा मैं तुझे सोता नहीं अपनी बहन बनाकर रखूंगी राजा के साथ। करे कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तुझे बच्चा होगा। और लेकिन जिस दिन बच्चा हुआ और उसके बाद उसने ध्यान लगाना छोड़ दिया, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, और उसके बाद ठेंगे दिखाने लगी सारा को, देख तेरा अब्राहम मेरे से ज्यादा प्यार करता तेरे से नहीं करता, देख बच्चा हो गया मेरे पास और तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। और इसी समय उसकी तरफ ध्यान लगाना बंद कर दिया, और इसी समय उसने फिर से वही पाप में गिर गई, फिर से वही गलत विचारों में, बुराई में, ईर्ष्या में, जलन में, लालच में आ गई वो औरत कि ये अब राजमहल मेरे बच्चे का होगा। और उसके बाद कह रहे कि उस समय सारा डर गई, और इसी समय सारा ने परमेश्वर से फिर भी उसने परमेश्वर का भय माना, और उसके बाद अपने पति को कहा, और इसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि इस औरत को तू निकाल दे अपने घर से और अपनी पत्नी की बात सुन। और इसी समय याद रखना कि परमेश्वर कई बार आदेश दे देता है कि इनकी चीजें वापिस चली जाए जो लोगों ने परमेश्वर का निरादर करना शुरू कर दिया है। आपके स्वभाव में अगर निरादर है तो इसलिए आपकी चीजें वहां ठहर नहीं पाती। लेकिन अगर आज आपने कह रहे कि परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया है तो याद रखना आपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है, आपने अपनी बोल बाणी में सुधार कर लिया है। तो आज रात कर जहां पर आपकी आशीष ठहरी हुई है कह रहा वहां से चालू होगी, फिर आएगी आपके पास। जो आपके पास आ चुका है वो आपसे कोई माइका लाल खींच के नहीं लेकर जाएगा, आपकी टिकी रहेगी आपके पास, स्टे करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर में स्टे करने के लिए आएगा। चर्च, क्या आप स्टे कराना चाहते हैं कि नहीं? क्या विजिट कराने के लिए आए हैं? चर्च में विजिट करना चाहते हो? स्वर्ग में विजिट करना चाहते हो? एक दिन के दर्शन करा सकता हूँ क्या? हमेशा के लिए रहना चाहते हो स्वर्ग में? परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं आता, याद रखना मसीहत वो है, परमेश्वर हमेशा के लिए आता है जिसके घर में आता है। आज रात से तुम्हारे घर में स्टे करेगा मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर स्टे कर परमेश्वर मैं स्टे कर, स्टॉप आ गया है। ट्रेन कब स्टे करती है? जब स्टॉप आता है। याद रखना परमेश्वर किन घरों में स्टॉप मारता है? करा जहां पर प्रार्थना विनतियां की जाती हैं। हालेलुया, वहां पर परमेश्वर स्टॉप मारता है। यीशु मसीह स्टॉप मार गया है लंगड़े के पास, यीशु मसीह स्टॉप मार गया है भिखारी के पास, अंधे भिखारी के पास, मुड़कर वापिस आ गया है और बोलता है सुबेदार कोई बोलता है चल मैं तेरे घर चलता हूँ स्टे करने के लिए। याद रखना आज रात अगर कोई बीमार है मेरा परमेश्वर स्टॉप मारेगा, आपके पास आएगा स्टे करने के लिए। विश्वास करना है। बस आज आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना, अपने पड़ोसी को कहे कंट्रोल कर अपने होते। लेकिन उस समय में हाजिरा समझ गई अगर कंट्रोल ना करती उसने यू टर्न मार लिया, और उसका बच्चा जब मरने पर था, जब राजा ने निकाल दिया उसका बच्चा मरने पर था, दूध पिलाने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा झाड़ी में डालकर रोने लगी, बोलती मरने वाला है, पानी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और उसमें बर्बाद होने वाली थी, मरने वाली थी। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरा बच्चा मरने वाला है, मैं इस समय क्या गुनाह हो गया है मुझसे, मुझे बता दो, देखियो रूठ गया है तू मुझसे। और उस समय में परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई कि याद कर मैंने तुझे नौकरानी से रानी बनाया, मैं तुझे महल में लेकर गया, लेकिन तूने मेरी अनसुनी कर दिया, तूने मेरी अनसुनी कर दिया। और उसके बाद उस औरत को शर्म आई और उसने यू टर्न मारा, पश्चाताप किया, और उसने कहा परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर दया कर, अगर तू मेरे ऊपर दया करे मैं फिर से तेरी महिमा करूंगी। और परमेश्वर ने कहा जा हाजिरा देख तेरे दाहिनी ओर देख और तुझे कुआं दिखाई देगा, करा उसमें पानी पड़ा है, निकाल अपने बच्चे को पिला दे। परमेश्वर ने फिर उसके ऊपर दया किया और उसने आंख उठाकर देखा और वो पानी से कुप्पी भरकर अपने बच्चे को पिलाया जिंदा। हालेलुया, उसका बच्चा बच गया है। याद रखना अगर हो सकता
सकता है आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो, परमेश्वर रूठ गया हो, लेकिन अगर आज आप हाजिरा की तरह यू टर्न मारकर वापिस आएंगे, यू टर्न वापिस आएंगे, परमेश्वर करा है, करा एक गवर्नमेंट जॉब का कुआ, एक हीलिंग का कुआ, एक कर्जे उतारने वाला कुआ आपके घर के सामने बना कर जाएगा आज रात। अरे क्या उछल कर आप बोल सकते हैं कि नहीं? अरे क्या उछल कर बोल सकते हैं कि नहीं? अरे कमर दर्द वाले बोल सकते हैं कि नहीं? अरे सिर दर्द वाले बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे सिर में तो दर्द है, नहीं नहीं मेरे कमर में तो दर्द है, नहीं नहीं मेरी कमर में तो दर्द है, मेरे सिर में तो दर्द है, मेरी तो टांग में दर्द है, क्या उछल कर बोल सकते हो आज मेरे यीशु के लिए? मैं कह रहा हूँ आज मेरा यीशु, आज मेरा यीशु, आज मेरा यीशु उछल कर आएगा, आपको कुआं बना कर जाएगा। एक छलांग लाकर बैठ जाओ, कुआं दिखने वाला आज रात। सारे बोलो हालेलुया। क्या तैयार है उस कुएं में जाने के लिए? दिमाग खराब है पादरी तेरा, कुएं में कौन जाता है? डुबकी लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छलांग लगाने के लिए, सुसाइड कराने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी आशीषें उसके अंदर पड़ी है, निकाल लो आज। कह रहा है वो कुआं बनाएगा। उसको क्या कहा? उसको कहा यू टर्न मार कर, ये भी कहा पश्चाताप करने के बाद आप सोचते हैं शायद परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, नहीं, परमेश्वर आशीर्वाद भी देकर गया पश्चाताप करने के बाद। कब? पश्चाताप करने के बाद। क्या कहा? कह रहा है कि जा, तेरे बेटे से मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा, एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। आप जो नहीं कर पा रहे करना स्टार्ट करोगे आज से, लेकिन सिर्फ आपको इतनी भी हालात खराब हो, कितनी मुसीबतें हो, लेकिन ध्यान लगाना बंद मत करना आज के बाद। परमेश्वर कह रहा है अगर इस वचन की ओर ध्यान लगा लिया आज रात, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी ओर, करा अमेरिका के लोग ध्यान लगाएंगे तुम्हारी ओर। अरे यूसुफ ने ध्यान लगाना बंद नहीं किया, मिस्र देश का राजा फिरौन बोलता है करा कि मुझे तो यही बच्चा चाहिए, यही बच्चा चाहिए। करा कौन? याकूब का बच्चा, जिस तरह परमेश्वर पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर इससे बातें करता है, ढूंढ कर लाए, पकड़ कर लाए, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। याद रखना, अगर आज माँ बाप ध्यान लगाना शुरू कर दिया वचन पर, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आज रात के बाद बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, और बड़े बड़े फोरन से कॉल आएंगे, आप ही का बच्चा चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी से फोन आएंगे, बड़ी बड़ी प्रेस से, बेस्ट कंपनियों से फोन आएंगे, फोन हमें आप ही का बच्चा चाहिए। अरे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़ी नौकरी पर बिठा कर जाएंगे यीशु के नाम में। पहले परमेश्वर आपको कामयाब करेगा, फिर आपका ब्याह कराएगा, फिर बच्चे देगा, फिर कंपनी चलाता रहेगा। हालेलुया, आपका वंश बढ़ता रहेगा। और दाऊद से कहा, कह रहा दाऊद, कर जा, मैं तो देखो अपनी पवित्रता की शपथ खाता हूँ, अगर कर आज से तेरे ही बच्चे राजा की गद्दी पर बैठा करेंगे। हालेलुया, याद रखना, अगर आपने ध्यान लगाया है आज, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा। ये पवित्र आत्मा है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगा आज। अगर आज आप निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, मेरा परमेश्वर आज रात ध्यान लगाना चाहता है आपकी ओर, ध्यान लगाना चाहता है। हाथ उठाकर कहो परमेश्वर, मुसीबतें लाख हों, बीमारियां हों, समस्या हों, लेकिन मेरी ओर ध्यान लगा ले आज। हालेलुया, अगर आज आपने ध्यान लगा लिया है, पवित्र आत्मा कुछ कहना चाहता है आज आपसे, मेरे साथ प्रेयर करना है आपको, इस समय ध्यान लगाना, फैसला ले लो आज के पवित्र आत्मा में इस समय परमेश्वर दो टाइम ध्यान लगाना बंद नहीं करूंगा, बाइबल में प्रार्थना करना, ध्यान लगाना, और परमेश्वर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। पवित्र आत्मा जो इस समय ध्यान लगा रहे हैं परमेश्वर, उनकी ओर तू हो जा, इनका विश्वास बाहर आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज बोलो विश्वास की बातें मुंह से बोला करूंगा परमेश्वर, मेरे साथ वचन आज बोले, सब बोले, बोले आज सब बोले, बोले के वचन खाली हाथ नहीं आएगा, परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है वो पूरा करके आएगा। आज से परमेश्वर जो तू मुझे जिस काम के लिए भेजेगा मैं भी पूरा कर कराऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस साल में बोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाकर कहूँ कि परमेश्वर मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं नहीं कहूंगा मैं झुक गया हूँ, मैं नहीं कहूंगा मैं कुछ नहीं हूँ। देखो स्क्रीन पर बोलो, बोलो पढ़ो उसको, बोलो मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, जो टांग बीमार है वो उसको बोलो वो है नहीं है, चंगी हो गई है, जो हाथ चंगा नहीं है बोलो वो है, जो सिर चंगा नहीं है बोलो है, जो फैक्ट्री बंद पड़ी है बोलो चल रही है, जो हाथ काम नहीं करती बोलो आज काम कर रही है। हालेलुया, यीशु का वचन मेरे अंदर जीत को लेकर आएगा बोलो,
गवाही को पैदा करेगा हजरत यीशु के नाम में। बोलो गवाही को पैदा करेगा आज यीशु के नाम में। हां बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रांग, आई एम हैप्पी, आई एम स्पेशल, आई एम विनर। मैं नहीं कहूंगा आई एम हिटलर, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कहूंगा आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल प्रॉफिट यीशु के नाम में। आमीन कहकर आमीन हालेलुया। कितनों को समझ में आया ध्यान लगाना आज? कितनी और ध्यान लगाओगे आज? वो स्वस्थ हो जाएंगे, तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर ध्यान लगाता है। कितनों को पता है इस बात का? खोजा रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, कूश देश से आया, और क्या हुआ रास्ते में एक स्वर्दूत एक पास्टर को भेजता है, और उसके पास वो दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर कहता है जो तू पढ़ता है वो तुझे समझ में आता है? कहता नहीं। कहता फिर जब तुझे समझ में नहीं आया परमेश्वर कैसे आएगा? कहता है मैंने जिसका जिंदा जागता वचन अपनी आंखों के सामने ध्यान लगाया है वो मेरी तरफ देखेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? अपन पढ़ोगे। मेरी दादी ऐसे बाइबल लेकर ऐसे बैठ जाया करती थी। मैंने कहा अनपढ़ है तू, तो ही क्या कर रही है, नाटक कर रही है। कहती तेरे को नहीं पता, तेरे से पहले दर्शन मेरे को मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा, तेरा बड़ा विश्वास। और एक दिन मेरा बाप दूसरे कमरे में बैठकर किसी और भगवान का नाम लेता था। वहां पर एक कमरा मेरा था, वहां पर मैं ले रहा था, एक कमरा दादी का था वो ले रही थी। और जी हमारा कंपटीशन चल गया, देखते हैं ध्यान कौन लगाता है, पहले कौन उठता है। मेरी माँ हंस रही थी, कह रही देखते कमरे में से पहले कौन आता है बाहर, आज किसी किसको पहले कौन लेट कौन आएगा। आज संघर्ष चल रहा था और तीन दिनों में उधर से मैंने कहा सारे सोच रहे थे कि शायद अपने आप बुलाएगी, मम्मी बुलाती थी, उठ जाओ तेरे डैडी की प्रार्थना बंद होगी, उठ जाओ आपके बेटे की प्रार्थना बंद होगी, उठ जाओ आपकी दादी की प्रार्थना बंद होगी। उस दिन किसी की प्रार्थना बंद ही नहीं हुई। मैंने कहा चलने दो, आज कोई तो आवाज लगाए। वो भाई साहब बड़ी देर होगी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, घंटों घंटों निकल गए। और इतनी देर में क्या हुआ, दादी की आवाज आई, कहती है यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। मैंने कहा कहाँ कहाँ कहाँ? मेरा बाप उठ कर आया, कौन है कौन है? हमें तो मिला नहीं, तुझे कैसे मिल गया? मेरी दादी ने कहा तू भी हमारे यीशु मसीह में आ जा, तुझे भी मिल जाएगा। कह रही तुझे भी मिल जाएगा हमारे में आ जा। उसने ऐसे नहीं कहा, वो कहती तू हमारे में रल जा, शामिल हो जा। कहती हमारे में शामिल हो जा, तुझे भी मिल जाएगा। मैंने पूछा दादी को जाकर, मैंने कहा चल मुझे बता दे चुप चुप। मैंने कहा तू तो बाइबल नहीं पढ़ना जानती, तुझे कैसे मिल गया? कहती मेरे पास स्वर्गदूत खड़े होकर गए अभी, उस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे पता लगा यीशु मसीह अनपढ़ों पर भी दया करता है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आप ये चर्च आए कि नहीं? आपके ऊपर ध्यान कर लिया है संडे, अरे ब्रांच में बैठे हो कि नहीं? आपके ऊपर ध्यान आ गया परमेश्वर का। अगर आप यहाँ ना आते तो आपके ऊपर ध्यान नहीं होने वाला था, याद रखना। इसलिए संडे बनाया गया है। जितने संडे आते हैं शैतान कोशिश करेगा अगले संडे आपको नहीं आने देगा, कोशिश करेगा 24 इकट्ठे चलेंगे, 25 लालच देगा। हालेलुया। लेकिन जो आएंगे उनकी तरफ ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन। हाथों को उठाओ और इसमें फट्टे चक दो आज, शैतान के फट्टे चक दो आज। बोलो चल निकल जा हमारे घर से, चल बीमारी निकल जा हमारे घर से, चल कर्जे निकल जा हमारे घर से, चल। बोलो यहाँ पर एक पास्टर नहीं, हम सब पास्टर हैं। आमीन। सारे पास्टर तुम जाओ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? हालेलुया। नहीं कोशिश तो करके देखो, दो चार तुक्का तो लगेगा ही, प्रार्थना करके तो देखो। परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक दिया है। आमीन। पहले दूसरों के लिए नहीं, अपनों के लिए की जाती है। अपने घर में जाओ आज, बच्चों पर हाथ रखो, अपने बाप पर हाथ रखो, अपनी माँ पर रखो, अपने पेट पर रखो, अपनी किताब पर रखो, अपनी पासपोर्ट पर रखो। मैं जो कह रहा हूँ भविष्यवाणी है ये। आज जाओ अपने घर पर हाथ रखो, जो चीज आपको पसंद है उस कार पर रखो, जो चीज आपको नहीं मिल रही उस पर हाथ रखो, जो ठीक नहीं हो रहा उस पर हाथ रखो। कर आज रात के बाद परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा यीशु मसीह के नाम में। कष्ट बनी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलने वालों के लिए गवाही आ रही है। सुनो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, मैं आपको एक, मैं एक आपको एक टैलेंट दिखाता हूँ। किसी का बच्चा गूंगा बहरा है यहाँ पर? किसी का बच्चा गूंगा बहरा है? गूंगा बहरा, हाँ जो भी है, जो भी है, हाँ 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 हाँ, मुझे दिखाने दो। बैठे रहो वहीं, बैठे रहो, आगे नहीं बुलाया, वहीं से खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई, अरे बबुआ खड़ा हो जा, हाँ वहीं खड़े हो जाओ, वहीं
वहीं खड़े बस खड़े हो जाओ, बस रख लो, हाँ हाँ बीच में जाओ लड़के, बीच में जाओ, शाबाश, जो भी है जिसका गुंगा बहरा बच्चा है, पत्नी है, बच्चा है, वहीं खड़ा जाओ भाई, बोला ना तुम्हें वहीं खड़े हो जाओ। हाँ जो नहीं लाए उनका मैं इलाज नहीं कर रहा हूँ, सारे बोले हालेलुया, उनका इलाज भी यीशु मसीह कर रहा है, जो लाए उनका भी यीशु मसीह कर रहा है, ध्यान कर रहा है यीशु मसीह उनकी ओर। हाँ सुनो, और कौन है इनके साथ? हाँ तो खड़े हो जाओ ना, हाँ हाँ सुनो, खड़े हो जाओ, सुनो वहां पर हाथ रखो, अभी जो भी है वहां पर हाथ रखो, शाबाश, मैं कह रहा हूं कि हाथ रख लो, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो, आ कोई और नहीं रखेगा, आप रखेंगे, जो गूंगा है, जो बहरा है। मैंने क्या कहा सिस्टर, हाथ रख इसके ऊपर। हाँ कब से गूंगा बहरा बेटे? जन्म से, जन्म से। सुनो सारे बड़े हालेलुया, आज आपके हाथ में पावर आ गया, ये नहीं सोच रहे ना तुम पास्टर बन गए हो। ए लड़की पकड़ इसे, चल पीछे, चल पीछे, चल कैमरे में, कैमरे में बैठ जा, वहीं बैठ जा, वहीं वहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा आने की जरूरत नहीं है, जो पास में है वो खड़े रहो, जो दूर है वो भी खड़े रहो। अब मैंने क्या कहा, आपका विश्वास फिर पादरी पर है, आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, मैं आपको आपके विश्वास की बात कर रहा हूँ। ए आदमी, ए आदमी, समझ आया, इधर आ जा, आगे ले आ जाओ, अरे आदमी आगे ले आ यार, अपनी घरवाली को ले आ, ना तू ले आ, हट जावे, रॉन्ग नंबर लगाई जरा, किसी की घरवाली कहीं किसी को लेकर, हाँ बस यार, क्या आदमी के पास माइक कर। हाँ बेटे कहाँ से आए हो? गोरखपुर पचगामा से, यूपी से हैं, गोरखपुर जिला ग्राम पचगामा। कब से गूंगी बहरी है ये? हमारे सास ससुर बताए हैं कि जन्म से गूंगी है, जन्म से। इसके दो भाई भी गूंगे हैं, उनको भी लाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, जो जो भी है, जो भी है, सुनो, जो गूंगा होता है वो बहरा भी हो जाता है, जो बहरा होगा वो गूंगा भी हो जाएगा, क्योंकि बात तो सुनेंगे नहीं, कुछ बोलेगा तो कुछ है नहीं, समझ रहे हैं? आज परमेश्वर आपके साथ मिराकल करे, परमेश्वर आपके, सुनो प्रॉफिट होने का मतलब, वहीं खड़े रहो, वहीं आगे नहीं आओगे, वहीं खड़े रहो, वहीं चेक करना, आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है। मैंने कहा जो रिश्तेदार उसके साथ आया, दोस्त आया है, वो खड़ा हो जाए उसके साथ और उसके मुंह में उंगली डालना है, क्या करना है? उंगली डालना है, उंगली, हाँ डालो उंगली, डालो उसके मुंह में उंगली, डालो अपनी जानने के मुंह में उंगली, डाल दे मुंह में, हाँ, और तू इसको काट ले। काट नहीं रही है वो, तू क्यों सर धर्मेंद्र, तेरे वाली काटेगी इधर को आजन का। सुनो आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जिसने भी रखा है मुंह में उंगली, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, होली स्पिरिट मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, बच्चे गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा ये हाथ इनका है, इनके हाथों में एनॉइंटिंग आयु याद यीशु मसीह के नाम में, जो बहरे हैं कानों में उंगली डाल लो, जिनको एक कान में भी प्रॉब्लम है उंगली डाल लो, मिराकल 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 यीशु मसीह के नाम में उंगली डालो, यीशु के नाम में फ्री फ्री, यीशु के नाम में फ्री, यीशु यीशु के नाम में फ्री, यीशु के नाम में फ्री, तूने चंगा कर दिया है, तेरे साउंड की जरूरत नहीं है, तूने चंगा कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु तूने मुझे छू लिया है, प्यार से कहो, विश्वास से कहो, तूने मुझे छू लिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, मुझे छू ले, रहन दे सिंगर, मुझे भी सिंगर बनना है थोड़ी देर,
तूने मुझे छू लिया है। अपनी जुबान से शुद्ध होकर कहो, तूने मुझे छू ली। जो अपनी जुबान से गा रहे हैं वो शुद्ध हो रहे हैं आज। तूने मुझे छू लिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे लहू बहाने से यीशु मुझको रिहाई है। सब कहे कोई भागे ना अपने स्थान से, सिर पर हाथ रख लो आज, उस हिस्से पर हाथ रख लो आज, जो हिस्सा कमजोर है वहां पर हाथ रख लो आज। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे जैसा कोई नहीं, बोलो तेरे जैसा कोई नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, बचपन से गूंगा बहरा है। अभी आप चाहते हैं अभी हीलिंग मिले इसको, तो मेरे साथ बोलो आप, बोलो। मैं इनको प्रैक्टिस करा, उनको समझ में नहीं आया, बोलो आपको गाना आए ना आए, बोलो। तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरे बच्चे को आजाद कर दिया है, तूने मेरे बच्चे को आजाद कर दिया है। ये गूंगे और बहरेपन की आत्मा चली गई, चली गई यीशु के नाम में, चली गई यीशु के नाम में, चली गई यीशु के नाम में। बोलना स्टार्ट कर, बच्चे के मुंह में उंगली डालकर बोलो जोर से, बोलते रहे गूंगे बहरे की आत्मा चली गई यीशु के नाम में, बहरे की आत्मा चली गई यीशु के नाम में। डांट उसको जोर से, चली जाए यीशु के नाम में, चली जाए यीशु के नाम में। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। गूंगा बहरा बच्चा, गूंगा बहरा बच्चा मेरा बोलने लगा है, मेरा बोलने लगा है। आमीन बोल जोर से, आमीन आमीन आमीन। वादा पूरा कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। सुनो हालेलुया, अभी देखते हैं यीशु मसीह ने वादा पूरा किया कि नहीं। yes. बोला हालेलुया, हालेलुया। बैठ जा इसके पास, नीचे बैठ जा, सामने आ इसके, सामने आ, सामने आ इसके, इसके सामने आ बस। अरे उस तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, बच्चे की तरफ देखो, इसके मुंह की तरफ देखो बेटे। नीचे बैठ जा, पूरा नीचे बैठ जा, हाँ बस, बच्चे से ज्यादा नीचे बैठ जा। हाँ जैसा मैं कहूँ वैसे करना, भी ऊपर कर इसकी गर्दन। पापा बोलो, वादा पूरा कर दिया है, फिर से देखो। मैं इसकी माँ को बोल, माँ को बोल, माँ को बोलो, पापा बोलो, जोर से बोलो, माइक में बोलो, पहले पापा बोलिए, जोर से बोलो, बुलाओ, जोर से बोलो, पापा, पापा, हालेलुया, सुनो
सुनो एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, लोग बोलते हैं कि ये वो आपकी तरफ देखता है। देखो मेरा मुंह इधर है और मेरा मुंह दिखा किधर है, मेरा मुंह इधर है, बोलो पापा वादा पूरा कर दिया है तूने आंगरों से भर, सब कहे सब कहे, तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाकर उसे भर दिया है, वादा पूरा कर दिया है तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है की। और बुलवाया किसने? यीशु। वादा पूरा किसने किया? यीशु ने। मैं बीमारों को चंगा करूंगा, करमती 8:7 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आकर शीघ्र चंगा करूंगा। आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, कह रहा और अभी एक नहीं जितने यहां पर खड़े बुलवाओ, बुलवाओ कंबल नीचे कर, म्याऊं म्याऊं, बोलो पापा जोर से, पापा पापा, बोलो वादा पूरा कर दिया है पाकर उसे भर दिया, जो काम आप नहीं कर सकते आज करना, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना, जो जहां पर बैठा है वो करके देखना, जो खड़ा है वो करके देखना, वहां पर जो बैठे हैं इस समय अपने अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा करके दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम लेहेंड वालों के साथ है। ये पर्चा लेके बैठते हैं वहां पर, ना चेक करते ना गवाहियां देते, बस हमारा तो नंबर आएगा, हमारा तो कार्ड है, सिर पे हाथ रखेंगे प्रॉफिट जी हम चंगे हो जाएंगे। चंगाई यीशु मसीह का देना काम है। वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को चेक करो, जो कह रहा हूं मैं, अपने आप को महसूस करो, महसूस करो वो है यहाँ, महसूस करो वो है यहाँ। कौन है यहाँ पर? वो लोगों को महसूस हुआ अभी हीलिंग से, हुआ कि नहीं कि यीशु है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? यीशु है। वादा पूरा कर दिया है तूने पाकर उसे भर दिया है, चेक करो जिसकी कमाईयां हैं, कोई तुक्का बहरा बोल रहा है कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, कोई तुक्का बहरा है, कोई बोल रहा है और सुन रहा है। मैंने क्या कहा? कोई लाठी छोड़ रहा है, कोई व्हील चेयर छोड़ रहा है, कोई आजाद हो रहा है, कोई कैसे भी प्रॉब्लम में, आज रुमाल निकालो और देखो अभी फेवर करेगा परमेश्वर, अभी फेवर करेगा परमेश्वर, अभी गुड न्यूज मिलेगी। फिर से कहो वादा पूरा कर दिया है तूने पाकर उसे भर दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग इस समय ऑनलाइन खड़े हैं परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं, इसी समय पत्थरियां बाहर जा रही हैं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर,
इसी समय यूरिक एसिड जाए, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसौलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, लंगड़े खड़े हो जाए, बंद पड़े बिजनेस स्टार्ट हो जाए। यू आर हील, 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 यू आर हील। इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फेवर करेगा परमेश्वर आपका। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। जो घुमा रहे रुमाल घुमाओ, शबाश, ये अभिषेक है परमेश्वर का। पथरियां बाहर, टांगों का दर्द छाए, लंगड़ा पंचाए, गिल्टियां छाए, सारे शराब टूट छाए। यू आर फ्री, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तूने लोगों को छुआ अभी यीशु के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ, हालेलुया। हाँ हाँ, अमेजिंग मिरेकल हुआ। आज आप बोल रहे थे जो गूंगे बहरे हैं, चेक करो, ये बता रहे हैं 12 साल से मशीन लगी हुई है, बहरी थी बिल्कुल। अभी आपने कहा चेक करो, जैसे चेक किया बहरी सुनने लगी। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, बोलेगा सुनेगा आंखें। हाँ हाँ, बोलो पापा, पापा। सुनो, मेरे कहने का मकसद है कि जब आप दोनों कान, दोनों कानों पर मशीन लगी हुई थी, आप जरा पीछे से ताड़ियां बजाए, लड़की इसके कान दबा के रख, ले मेरे को नहीं बोला, कान दबा के रख। अरे रुको, तुम नहीं, पब्लिक नहीं, एक जन जाओ। हाँ मारो बेटे, दो और पीछे जाके मार दो। सुनो, चुप, सुनो, हाँ एक सुनो, सोनिया, सोनिया, हालेलुया। कह रहा जिस नाम में है मुक्ति, फोन आ जाए। हालेलुया। सुन रहे, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। माँ को भी जकड़ा, माँ को भी पकड़ा, गूंगी बहरी है बच्ची, बोलने नहीं दे रही थी। चलो फ्री। इसके पेट में एक प्रॉब्लम होती है माँ के दुष्ट आत्माओं की, और वो पेट से बच्चे को पाहिज गूंगा बहरा निकालती है। मैं कह रहा हूँ कि आज से वो नस चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिस नस को शैतान पकड़ता है, मैं डांटता हूँ, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री, कहाँ गई वो लड़की? हाँ लड़की, मैं इधर देख, इधर इधर कर, माइक कर, माइक कर, बोलो बोलो
पापा 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 हालेलुया। चुप कर, चुप कर, बीच में ना बोला कर। बोलो पहले, बोलो पापा पापा। सुना सुना सुना, फिर बोलो पापा पापा पा। चुप 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 चुप, देखो पापा पा पापा पा। अब बोलो पापा पापा पापा। यीशु तेरा नाम कब से ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। yes. कितना ने देखी हीलिंग अभी, देखी कि नहीं? yes. कौन है ये चर्च? यीशु है कि नहीं? yes. हम जो प्रचार करते हैं वो लुभाने का प्रचार नहीं करते, हमारे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण है यीशु मसीह का। सुन रहे, देखा आपने अभी, इसका मतलब ध्यान किसकी ओर करेगा यीशु मसीह आज? बोला साटे वाले करेगा, साटे वाले जड़ा मिठा बोलेगा, मिठा नाम यहोवा दा खड़े दिल हालेलुया से जावे, ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, ओ यीशु राजा देख जाने आचो मेनू बरकत मिल जावे, ओ यीशु राजा देख जाने आचो मेनू बरकत मिल जावे, ओ मेरा बल भी यहोवा ए तुझे कर यहोवा ए, ओ मेरा बल भी यहोवा। ओ आ तो मिराकल हो रहा, मिराकल हो रहा, आ तो आ तो गूंगे गूंगे बोले बोले बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आज। ओ मिराकल हो गया, एक और मिराकल हो गया भाई, एक और हो गया। हालेलुया हालेलुया। हां हां बोलो बोलो, क्या हुआ? प्रॉपर्टी है भाई, बता रहे हैं। ये बहन बचपन से टोटली गूंगी बह रही है, आज चर्च में लाए पीछे बैठे सबसे लास्ट में, आपने कहा चेक करो गूंगे बोलेगी, आज बता रहे हैं पहली बार गूंगी बोलने लगी है। पहली बार बोलने लगी है, हमारे सब काम काम करने वाली है भाई। और हम, मेरी वाइफ पहले आई थी इधर, थोड़ा सा फर्क पड़ा इसको, अभी मैं ही कह रहा हूं, मैं इसको लेके आई। सुनो 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 सुनो, आपकी वाइफ चंगी हुई इसके बाद आप इसको लेकर आए, इसको अभी ले क्या, अभी ये गूंगी बहरी थी और अभी अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी बोलती है पापा पापा, अभी बोल रही है, माइक कर माइक कर, बोलो बेटे पापा पापा पापा। देखो एक आदमी एक औरत बोल रहे हैं कि वही हाजिरा वाला प्रचार कर रहा था, अब्राहम और सारा, उनके घर में एक नौकरानी है और बोल रहे कह रहे कि ये गूंगी बहरी थी, पहले मेरी मेरी पत्नी चंगी हुई और कह रहे कि अभी क्या हुआ आज ये पापा करके बोलने लगी, इसकी पत्नी को बाहर निकालना, कहाँ है सारा, कहाँ छोड़ दी सारा, सारा को बाहर बुलाओ, सारा बाहर आ जा, नहीं खाया पिलाया बाहर नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसकी पत्नी को बाहर बुलाओ, वो तो उल्टी करने लगी है, विश्वास करो बाहर आ जाओ, शाबाश। आज गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी का बच्चा हो गवाही है तो लाना, गवाही है तो ले लो, ले लेकर गवाही। हेलो प्यार से, हाँ बेटे इधर करमाई किधर, इधर इधर, पत्नी कौन सी है उंगली करके बताओ, हाँ वो चेक करते रहो बेटे, ओए लड़के तेरा काम नहीं है, पास्टरों का काम है बाहर निकालना, हाँ शाबाश शाबाश, माइक कर माइक कर माइक कर माइक कर, इधर देखो बोल, इधर देखो बोल, पापा 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 पापा, हालेलुया। उंगली करके बोलो पापा पापा, साडा भी पापा पापा, तुहाडा भी पापा पापा, यीशु ना पापा 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 पापा। आपकी क्या लगती है, ट्राई करो, नहीं ये क्या, इसे पूछ, ये हमारे काम करती है, आपकी वाइफ से पूछ रहा हूं। हाँ जी, हमारे घर में वो काम करती है, काम करती है। आप कहां से आए हो? यूके से आए हैं, आप यूके से? हालेलुया, हम दो तीन हफ्ते से आ रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात, देख लो आज परमेश्वर ने मिराकल किया कि नहीं चर्च, करा और ज्यादा बोलने सुनने लगेगी अभी यीशु के नाम में, जोर से तारीफ करो, बोलो यीशु नाम यहोवा दा, दिल विच वस जावे, ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। हालेलुया, प्रभु भाई बता रहे हैं, इसका भाई बचपन से टोटली गूंगा बहरा, पहली बार
पापा बोलने लगा गूंगे बेटे बचपन से नहीं बोल रहा था ये। और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लग गए जी। अभी बोलने लग गया। कहाँ से है तू, कहाँ से है? रिको से, गंगानगर के साथ, राजस्थान से। हाँ, माइक कर, माइक कर। पापा 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 जी जय यीशु तेरा बोल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु जी, ये भाई बता रहे हैं। पहले पूछो कहां से हैं, कहां से हैं? मलेरकोटले से। मलेरकोटले से, मलाई वाले कोटले से। हां हां, प्रभु जी ये बता रहे हैं, ये बच्चा बचपन से टोटली गूंगा मेरे, कभी आवाज नहीं आई, पहली बार पापा बोलने लगा। यीशु तेरा कितनों ने देखा, बोल नहीं पड़ता ढंग से, लेकिन अभी क्या, जैसा बुलवाया बोल रहा है कि नहीं? आज से और भी बोलना स्टार्ट करेगा। जोर से तारीफ करो, यीशु नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे, ओ मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे, ओ यीशु राजा दे खजानिया चो मेनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं, इनका बेटा बचपन से टोटली गूंगा मेरे, कभी बोला नहीं, पहली बार अपने जैसे कहा और बोलने लगा है। मेरे दिल विच बस जा रे, ओ मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जा रे। सारे बोलो, सारे एक दूसरे की तरफ देख के बोलो, सतवा गूंगा, सतवा गूंगा। चर्च भी सतवा गुंगा बोल रहे हैं, कितने की मोटी दुसादे, साढ़े चर्च भी सतवा गुंगा बोल रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। हाँ बेटे, कब से आए? बाप पर बले। हाँ बेटे, कब कहाँ से आया? लुधियाने से आए सर। लुधियाने से? पहले वाली पंजाब से आई थी, आप लुधियाने से आए हो? लुधियाने से। लुधियाने से, अच्छा, मतलब कब से था गुंगा बेरा? बचपन से। बचपन से। अभी माइक कर इसके, हमने माइक कर। पापा 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 हालेलुया। मेरे दिल विच बस जावे, ओ मिठा नाम यहोवा। हुण मैनूं विश्वास हो गया, हुण मैनूं विश्वास हो गया। और बोलेगा ले, माइक कर, माइक कर। हुण मैनूं बोलो, टू टू हालेलुया। ओ मिठा नाम यहोवा, ओ मेरे दिल विच बस जावे, ओ मिठा नाम यहोवा, ओ मेरे दिल विच बस जावे। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, मेरी तरफ देखो, जो लाइव देख रहे हैं आप, तीन दिन के अंदर ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी है आपके लिए, अगले संडे कितनों ने चंडीगढ़ चर्च में देखा है स्माइल वाली एनॉइंटिंग? नहीं देखी? बहुत सारे लोग चंगे हुए, गवाहियां आ रही हैं। अगले संडे हम स्माइल वाली एनॉइंटिंग करेंगे यहां पर। हसीए हसीए रूह विच, हसीए 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 रूह विच, ओ हसीए हसीए रूह विच, हसीए हसीए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, विश्वास। बेटे वॉलंटियर, ये बीच में तुम खस जाते हो, आगे को यहाँ नहीं पता, जिसकी गवाहियों उनको बाहर निकालो। शाबाश, पवित्र आत्मा काम करे और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, इकट्ठे करते रहो गवाहियां। शाबाश, इसी समय लाइन लगा, फटाफट ले आने वाले आगे आ जाओ, आगे आगे, जल्दी 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 जल्दी।
फटाफट शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। बाकी पीछे रहो, अपने हाथों को उठाओ। कितने लोगों ने देखा ये हाथ मैंने नहीं रखा उनके ऊपर, सिर्फ आपने मेरे साथ प्रार्थना की है। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं जल्दी हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बस अब इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो, जो ब्रांच में खड़े हैं, जो जहां भी खड़े हैं, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। हाथ रखो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं समय पर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय सुन रहे हैं इसी समय हीलिंग मिले इन यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने हाथ रखा अपने सिर पर, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ। बोलो आमीन। चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। मैं देख रहा हूँ कोई बेड पर है, पेशेंट है, आजाद हो रहा है। किसी को कालजे में प्रॉब्लम हो रही है, वो आजाद हो रही है। अभी गुड न्यूज मिल रही है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो, प्यार से जाने जाने जाने। हाँ, अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, मीठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे, ओ मीठा नाम यहोवा। आज के बाद वापस नहीं आएगा। बाय। मेरे दिल विच वस जावे, ओ मीठा नाम यहोवा। हालेलुया, हालेलुया का समझा करो। हाँ बेटे, कब से प्रॉब्लम है? मेरा 25 बरस है। 25 बरस? छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। पिताजी इसका छोड़ दे इसको, यीशु के नाम में। इसके हाथ पैर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। उठने देना तो उसको, चलने देगा इसको, चलने देगा इसको, चलने देगा इसको, इसको पति भी दम नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, देख मेरी तरफ चलेगी ये यीशु के नाम में। मीठा नाम यहोवा। बस बस, हालेलुया। फ्री, कोशिश करो। जो क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है। संगीता, कहाँ से है आप? बिहार। हाँ, हाथ रखो उधर, हाथ रखो। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, शाबाश। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। नहीं 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 पिताजी, पकड़ा गया यीशु के नाम में। उठ यीशु के नाम में। फ्री। कितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं हालेलुया। देख रहे हैं, उठ नहीं पा रही, कई साल से प्रॉब्लम में है और शैतान ने जकड़ रखा है टांगों को, हड्डियों को, और इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। हाँ 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 हाँ, फ्री।
जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मिठा नाम फिरोजपुर से। हाँ तेरा कैमरा कहाँ है? फिरोजपुर से। हट जा लड़के। मिठा नाम यहोवा चेक करो चेक करो चेक करो शाबाश इसी समय यीशु के नाम में छोड़ दे इसको पैरालाइज के शराब टूट जाए मिठा ना चल 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 जो नहीं कर सकती करके देख शाबाश पैरालाइज के शराब खत्म हो रहे हैं चल पैर दिखा इसका पैर दिखा पैर शाबाश पैर दिखा शाबाश हाँ चलो यू आर हियर चलो शाबाश मंडर चंगी हो जाएगी यीशु के नाम में। इधर देख क्या नाम है तेरा? कोशिश कर अपने आप खड़े हो फटाफट मटर यू आर हील चलो हाँ तू खड़ी हो सकती है अपने आप चल शाबाश हाँ ऐसे पावर आ रही है चिंता मत कर यीशु मसीह के नाम में इसी समय छोड़ दे इसके शरीर को खड़ी हो चल दौड़ेंगे अपने हाथों को उठाओ शाबाश मिठा नाम हाथों को उठाओ फिर से कहो मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जा वो मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जा वो यीशु राजा दे खजाने जी बता रहे 10 साल से बेड पर थे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कभी चलेगा नहीं अभी जैसे आपने हाथ रखा बता रहे पैरों में जान आई है पैरालाइज खत्म हो गया 10 साल के बाद आज चलने लगा है मेरे दिल विच बस जा
हो मिठा नाम जो जो नहीं चल पाते वो चल रहे हैं। चल शाबाश कैमरामैन दिखा शाबाश। चलो 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 शाबाश जोर से तारीफ करो। मिठा नाम यहोवा दा वो मेरे दिल विच बस जा रे। वो मिठा नाम यहोवा दा वो मेरे दिल विच बस जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जा मिठा नाम। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं 40 साल से कान का पर्दा फटा हुआ था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है, जहां मर्जी चले जाओ। अभी जैसे आपने कहा चेक करो पहरे सुनने के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं 40 साल की पहरी सुनने लगी है। कब से किसको प्रॉब्लम, जिसको जो ठीक है उससे गवाही लो, उसकी माँ या बहन से। जो बीमार है उससे थोड़ी गवाही लेगा। कौन है उसके साथ, उसके साथ कौन आया यार? बीमार के साथ कौन आया? बीमार के साथ। हाँ क्या प्रॉब्लम थी बताओ शाबाश। पापा जी मैं एक विश्वासी हूँ, इसने कहा अम्मा ने कि चलो बेटी मेरे साथ साथ देने के लिए, तो मैं यहाँ आई। पापा जी उसने कहा कि मेरे कान 40 साल से बेटी बंद था, पर्दा फूट गया था, नहीं था। और आज अचानक मेरे कान सुनना नहीं देने पापा जी। चंगे देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि कानों में 40 साल से पर्दा फटा हुआ था, सुन नहीं पा रही थी। दोनों कानों में उंगली डाल लड़की इसके, मैंने क्या कहा था, आज खड़े खड़े देखना परमेश्वर यहोवा के कामों को, देखना आज आश्चर्य क्रम को। हाँ ताड़ी मार लड़की, ताड़ी मार। चार आप दोबारा बजाओ। एक एक बोलो सोनिया सोनिया। हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गवाही के साथ बड़ा फटा। हालेलुया। मैं जिस पे हाथ रख रहा हूँ चंगे हो रहे हैं आप, रिलीज, चंगाई मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ। छोड़ दे शाबाश, चलो 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 चलो, ताड़ी बजा शाबाश। दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे। वो साडा यीशु अज मूर विच आ गया। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी। लड़की पीछे वहां खड़ी हो जा, तुम्हें तेरी ड्यूटी नहीं है, पीछे लेडीज के पीछे खड़ी हो, लेडीज के पीछे खड़ी हो, जो भी यीशु के नाम में। हां शाबाश हालेलुया। इनके पर मैं हाथ रख रहा हूं, चेक करो चंगे हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हां हां शाबाश शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। चलो
गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि पेट में गिल्टियां थी जो पकड़ में आती थी, अभी भी अपने लेड प्रार्थना करी, गिल्टियां साफ हो गई है। हालेलुया। लाइन लगा, लाइन में आ, लाइन मिठा नाम यहोवा बता रहे हैं। इनका बेटा बहुत टाइम से कोमा में था, आज व्हीलचेयर पर लेकर आए थे, अपने लेहन प्रेयर किया, बता रहे हैं अभी के अभी जैसे ही आपने हाथ रखा जान आई है, सारे काम करने लगा, बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो। देखो कहां से है बेटे, कहां से है? हां मैं यूपी से आया, यूपी से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।